आज नाम 30 जुलाई 2021 वर्ग चतुर्थ विषय हिंदी अध्याय 24। अध्याय का नाम है सचिन तेंदुलकर। पढ़ाई होने जा रही है बच्चों, आप लोग किताब पेज नंबर 109 पेज निकालिए। सचिन तेंदुलकर के बारे में कहानी है, जो कि आप लोग जानते होंगे बच्चों कि सचिन तेंदुलकर भारत के एक महान क्रिकेट खिलाड़ी है, जो कि इनकी शूरता इनकी वीरता को आप लोग में छिपा नहीं है। हर एक बच्चों के मुंह की जुबान पर सचिन तेंदुलकर का नाम जानता है। सचिन तेंदुलकर कौन नहीं जानता उनका नाम को, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी में जो है अग्रगण्य स्थान, महत्वपूर्ण स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए। तो इनकी कहानी को सुनिए, और इस कहानी से, सचिन तेंदुलकर की कहानी से यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि कठिन अभ्यास और परिश्रम करने से, कठिन मेहनत करने से बहुत बड़ी सफलता हासिल होती है। आप लोग कठिन परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, खेलने में आइए तो खेल पर भी मेहनत कीजिए, पढ़ने में तो पढ़ने पर मेहनत कीजिए, तो आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले आपको शब्दार्थ है ब्लैक बोर्ड से उठा लीजिए और किताब पेज नंबर 113 में देखिएगा, उसमें शब्दार्थ लिखा हुआ है, विशेष शब्दार्थ। आप किताब से उतार कर लिख लीजिए और उसको याद कीजिए, फेयर करते जाइए। 24 तक फेयर पढ़ाई जहाँ तक हो रही है वहाँ तक फेयर कीजिए। जहाँ कठिनाई अनुभव होगा वहाँ मैं विद्यालय में आपका पूरा कर दूँगा। सचिन तेंदुलकर का नाम कुछ पहले वर्ष पहले की बात है बच्चों, कहानी शुरू हो रही है। उस दिन मुंबई के प्रसिद्ध मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम, पूछेगा कोई भी आदमी कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो आप लोग बताइएगा कि वानखेड़े स्टेडियम जो है वह वानखेड़े जो स्टेडियम है वह क्रिकेट के लिए है, प्रसिद्ध है, और वह मुंबई में है। अनेक बार खिलाड़ी एकत्र थे, सभी खिलाड़ियों के मन में अपूर्व उत्साह और कुछ कर दिखाने का संकल्प था, और यह होता भी क्यों नहीं। आज यहाँ रणजी ट्रॉफी प्रतिस्पर्धा के लिए मुंबई की क्रिकेट टीम का चयन भी जो हो रहा था है, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है, मुकाबला है, वह होने वाली थी रणजी ट्रॉफी प्रतिस्पर्धा मुंबई में। उन्हें लंबे तगड़े युवा खिलाड़ियों में एक दुबला पतला छोटा सा किशोर बालक खड़ा था। देखिए चित्र में दिया हुआ है, वह देखने में 14-15 वर्ष का लगता था। कोई उसे देखता तो समझता कोई बालक कुतूहलवश खेल देखने के लिए आया होगा। खिलाड़ियों को एक एक करके अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया गया। अब उस दुबले पतले किशोर की बारी जब आई, वह किशोर बल्ला थाम कर विकेटों की ओर चला। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान दिलीप बेंग सरकार भी इस खेल के मैदान पर उपस्थित थे। उन्होंने इस किशोर के खेल की प्रशंसा सुन रखी थी, इसलिए वे इस बालक की प्रतिभा को स्वयं परखने के लिए उत्सुक थे। इस प्रकार से सचिन तेंदुलकर बहुत प्रतिभाशाली और खेल के प्रति बहुत मतलब सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज खिलाड़ी थे, है ना। इधर हुआ कि किशोर विकेट पर पहुंचा, उधर कपिल देव उस गेंदबाजी करने को तैयार हुए। आप जानते होंगे बच्चों कपिल देव भारत का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज
रहे हैं भारत का। भारत का सबसे है ना सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज कौन थे? तो कपिल देव थे। उनकी आग उगलती तूफानी गेंदबाजी से विश्व का बड़े से बड़ी बल्ला बल्लेबाज थर्राता था। पर यह किशोर तो कपिल के सामने भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बल्ला थामे खड़ा था। उस समय कोई इसे नन्हे बल्लेबाज और तूफानी गेंदबाजी की जोड़ी की मैदान पर देखता तो बालक पर तरसा खाए बिना नहीं रहता। कपिल देव ने बालक को सामने देखकर धीमी गति से गेंदें फेंकी। बालक ने उन्हें जमकर खेला, फिर पूरी शक्ति से गेंदबाजी की। बालक चट्टान की तरह डटा रहा। उसके बल्ले से चौकों और छक्कों की बौछारें होने लगी। चयनकर्ताओं ने इसके शोर को बल्लेबाजी की करिश्मा अपनी आंखों से देखा था। इसे मुंबई की टीम में चुन लिया गया। लेकिन यह किशोर कौन था बच्चों? यह किशोर था सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, जिसे आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है। सचिन तेंदुलकर का जन्म कहाँ हुआ? 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुआ था। पिताजी का नाम था रमेश तेंदुलकर, मराठी साहित्य के प्राध्यापक थे और स्वर्गीय श्री रमेश तेंदुलकर के 3 पौत्राणिक पुत्री हैं। सचिन इसमें सबसे छोटा था। सचिन को बचपन से ही खेल कूद के प्रति शौक था। पहले टेनिस का खेल प्रिय था, बाद में वे अपने बड़े भाई अजीत की प्रेरणा से क्रिकेट से की खिलाड़ी से आकर्षित हुए। इस प्रकार से बच्चों आप लोग जो सुने सचिन तेंदुलकर का जो है सबसे खिलाड़ी रहे हैं और उनकी कहानी ज़्यादा बोलेंगे तो कम थोड़ा ज़्यादा कहना कम समझना समझिएगा। और सचिन को भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में उनको चुना गया था। 15 नवंबर 1989 को प्रथम टेस्ट मैच पाकिस्तान के विरुद्ध कराची में जब खेला गया, इस मैच में बकार यूनिस की उछाल खाती गेंद पर सचिन घायल हुए। उन्हें बल्लेबाजी से हट जाने की सलाह दी गई, पर साहसी सचिन मरहम पट्टी कराकर उन्हें कुछ ही मिनटों में फिर बल्लेबाजी के लिए मैदान में डट गए। उस समय सचिन का उम्र 16 वर्ष 205 दिन थे। विभाग के सबसे कम उम्र के टेस्ट खिलाड़ी बने। अगले ही टेस्ट श्रृंखला में सचिन ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपना पहला शतक जमाया। इस प्रकार के बच्चों आप लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में ज़्यादा कहें कम समझिएगा। आप जब देखिए सचिन तेंदुलकर जो है 1999 में विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय क्रिकेट टीम की केनिया के विरुद्ध खेलना पड़ा शुरू किया। वहाँ चौकों छक्कों की बच्छा व उछाड़ कर दी और इस शानदार शतक की बदौलत इस मैच में भारत को विजय मिली। इस प्रकार से कहना है कि सचिन तेंदुलकर विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं। दूसरों के दुख में दुखी होना तेंदुलकर का स्वभाव है। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में जीती हुई 50 लाख रुपये की धनराशि उन्होंने उदारतापूर्वक गुजरात के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए दान कर दिया। 4 जून 2012 को सचिन ने राज्यसभा का सदस्य के रूप में भी सम्मानित किया गया। उन्हें भारत की राष्ट्रपति ने इसे इस पद के लिए मनोनीत किया गया। भारतीय सरकार ने 4 फरवरी 2014 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सचिन यह बड़ा सम्मान प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी है। तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट गगन के जगमगाते नक्षत्र हैं। वे क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कन है और युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत है। उनके प्रशंसक उन्हें क्रिकेट का भगवान मानते हैं। इस प्रकार से बच्चों सचिन तेंदुलकर की कहानी आप लोग सुने। सचिन तेंदुलकर जैसा आप भी महान खिलाड़ी बनिए। अब मैं आप